हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने सिंपल इंटरेस्ट का पहला वीडियो आपने देखा है, जहां पे हमने बेसिक्स पे बात की थी और हर तरीके से सवाल को फॉर्मूला से पढ़ते हुए, सवाल को कॉन्सेप्ट से पढ़ते हुए, सवाल को बेसिक से पढ़ते हुए हमने बात की थी। अब उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम और भी कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे होगा। तो बिना समय गवाए हम अपने सवालों की ओर बढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि पार्ट वन में हर एक चीज़ें जो आपको बताई गई होंगी वो आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो चलिए उसी चैप्टर यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे यानी अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चंस क्या है। तो चलिए देखें दोस्तों क्वेश्चंस क्या है। ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज 12,000 इन टू स्कीम एक्स एंड वाई। इन स्कीम एक्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड इन स्कीम वाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम। इफ द मैन गेट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरऑल इन वन ईयर ऑन बोथ द स्कीम देन फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन स्कीम वाई। क्या कहा गया है दोस्तों, एक बार समझा जाए कि एक व्यक्ति ने दो योजनाओं एक्स और वाई में 12,000 रुपये का निवेश किया। योजना एक्स में वार्षिक ब्याज की दर 10% है और योजना वाई में वार्षिक ब्याज की दर 20% है। यदि व्यक्ति को दोनों योजनाओं पर एक वर्ष में कुल मिलाकर 14% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होती है तो योजना वाई पर निवेश की गई राशि ज्ञात करिए। यानी 12,000 रुपये को दो योजनाओं में लगाया गया है एक्स और वाई पर अलग अलग दर से एक सालों के लिए और हमें ये देखने को मिला कि उन दोनों से जो ब्याज मिलता है वो ओवरऑल यानी पूरे वर्ष में 14% ब्याज मिलता है 12,000 रुपये पर, वो उसके क्या है बराबर है। तो सबसे पहले इस सवाल को हम बेसिक से बनाते हैं और देखते हैं बेसिक से सवाल किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे यानी किस तरीके से हम बढ़ेंगे। मेथड वन, चले तो हमारे पास 12,000 रुपये हैं जो कि एक व्यक्ति ने दो स्कीम पे लगाया है, स्कीम एक्स और स्कीम वाई पे। हम मान लेते हैं स्कीम एक्स पे अगर ए रुपया इन्वेस्ट किया गया है तो आप खुद बताइए स्कीम वाई पर कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर 12,000 - A रुपये। और स्कीम एक्स पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, 10%, और स्कीम वाई पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 20%, और दोनों को एक सालों के लिए लगाया गया। ठीक, फिर हमसे सवाल में क्या कह रहा है कि इन दोनों पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इन दोनों पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है यानी जो ब्याज मिल रहा है वो क्या कहा गया है, साल भर में 12,000 रुपये पर यानी वन ईयर में 12,000 के ऊपर जो 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें जो मिलेगा वो आपस में क्या है इक्वल है। यानी यहां से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा और यहां से इन दोनों को जोड़ के जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो हमें यहां से क्या मिलेगा a इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 और यहां से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा 12,000 माइनस a इंटू 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिला 10A/100। मैं अभी काट नहीं रहा हूँ क्योंकि 100 रहने से मेरे लिए आसानी होगी सवाल करने में। और यहाँ से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2,40,000 माइनस 20A/100 यानी अलग अलग इंटरेस्ट जो हमें मिला। और अब ये जो इंटरेस्ट है हमारे सवाल में कहा गया है इसके ऊपर यानी 12,000 रुपये के ऊपर 14% यानी 14% एक साल पर जो ब्याज मिलेगा यानी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपस में क्या होंगे, इन दोनों इंटरेस्ट के बराबर होंगे। तो चलिए सीधे सीधे सवाल के अनुसार हम क्या लिख देते हैं, सीधे सीधे सवाल के अनुसार लिख दें यहाँ से हमें इंटरेस्ट कितना मिला है दोस्तों। तो हम कहेंगे सर 10A/100 प्लस यहाँ से हमें कितना मिला है, तो हम कहेंगे सर 2,40,000 माइनस 20A/100 यानी इन दोनों को मिलाकर हमें ये मिला दोस्तों। और 12,000 पे हमें ओवरऑल कितना मिल रहा है, तो हम कहेंगे सर 12,000 पर मुझे 14% करके मिल रहा है एक सालों के लिए डिवाइडेड बाय 100। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखा जाए क्या मिलेगा। तो यहाँ से हमने लिया तो 100 यानी यहाँ से हमें क्या मिला 10A प्लस 2,40,000 माइनस 20A इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा
168,000 डिवाइडेड बाई 100। तो आप देखोगे 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 20A से 10 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -10A, और यहाँ से क्या, तो क्या मिला दोस्तों, 168,000 माइनस ये 240,000 उस साइड चला जाएगा, यानी क्या मिलेगा रुपीस 240,000। यानी यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, -10A इज इक्वल टू -72,000। तो आप देखोगे ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी A की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी आ गई, 7,200। यानी A हमने किसे माना था, A हमने माना था जो योजना X में हमने रुपए लगाया था। लेकिन हमारे सवाल में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, हमारे सवाल में पूछा गया है कि हमने योजना वाई में कितने रुपए लगाए थे। तो आप खुद बताइए कि अगर ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 7,200 है तो 12,000 माइनस 7,200 करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4,800 यानी 4,800, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा। ये वो तरीका हो गया जो हम प्रोसेस से यानी बेसिक से करते हुए बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से बेसिक से जाएं तो क्या क्राइटेरिया कहा गया है और किस तरीके से सवाल को हम बनाएं। अब इसी चीज़ को जब हम एग्ज़ाम के व्यू से देखें तो सवाल पढ़कर समझते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम में इस सवाल को बनाएंगे। तो चलिए देखें एग्ज़ाम के व्यू से इस सवाल को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी था। अब देखिए एग्जाम के व्यू से अगर मैं देखूं तो सवाल में क्या कहा गया है, 12,000 यानी 12,000 रुपए को दो योजनाओं में लगाया गया, यानी दो स्कीम में, स्कीम एक्स पे हमें 10% मिलता है और स्कीम वाई पे हमें कितना मिलता है, 20%। ठीक, यानी स्कीम एक्स के बारे में अलग से कह दी गई है, स्कीम वाई के बारे में अलग से कह दी गई है, और हमसे ये भी कह दिया गया है कि हमारा जो ओवरऑल है यानी जो कुल है वो कितना मिल रहा है, 14% है। और मैंने बार बार आपसे बताया है कि अगर सवाल में ओवरऑल दे दे तो आप इस तरह के सवालों को कैसे बना सकते हैं, एलिगेशन यूज़ करके। तो चलिए बनाते हैं सवाल को, यानी एक्स और वाई, स्कीम एक्स पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, तो मैं कहूँगा 20%। स्कीम वाई पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, तो मैं कहूँगा 20%, और ओवरऑल हमारे पास कितना था दोस्तों, तो मैं कहूँगा 14%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व किया, 20 में से 4 को किया तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6, और यहाँ से किया तो क्या मिलेगा, 4। मैं इसे नहीं काटता क्योंकि 6+4 जोड़कर क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि स्कीम एक्स पे जो हमने रुपए लगाया था वो हमारे लिए कितना यूनिट थी, तो हम कहेंगे एक्स यूनिट। स्कीम वाई पे जो हमने रुपए लगाया था वो हमारे लिए कितना यूनिट थी, तो 4 यूनिट, और इन दोनों को जोड़कर हमारा ओवरऑल कितना था दोस्तों, तो हम कहेंगे 12,000 रुपये। तो 6+4 यानी 10 बराबर अगर 12,000 यानी 12,000, तो 1 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1200। 10 इक्वल टू अगर 12,000 है तो 1 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1200। तो अब अगर हम यहाँ से निकालें तो 6 इक्वल टू क्या मिला, 7,200। हालांकि हमसे क्या पूछा गया, स्कीम वाई की वैल्यू पूछी गई है, तो स्कीम वाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 4,800। यानी इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में सवाल को बनाते हैं तो आपका समय भी बचेगा और एक्यूरेसी की तरफ भी क्या होगा, ध्यान ज़्यादा जाएगा। मैंने बार बार एक चीज़ आपसे कही है कि सवाल को पढ़िए और सवाल को पढ़ने के बाद एनालिसिस करिए कि सर ने जो बताया है, जिस लॉजिक को सर ने बताया है, किस जगह पे कौन सा चीज़ देखने से हमें समझ में आएगा कि हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, उन बारीकियों की चीज़ों को सीखो तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से सवालों को बना ले जाओगे। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है। एक बार मैं फिर से कहूँगा, जिस बच्चे ने वीडियो पार्ट 1 का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज नहीं देखा है, आप अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जहाँ पे सवालों को किताबों के फॉर्मूले से भी बताया गया है, बेसिक से भी बताया गया है और कॉन्सेप्ट से भी बताया गया। मैं बार बार एक चीज़ आप लोग से कहता हूँ, जैसा कि आपने हर वीडियो में देखा है कि अर्थमेटिक का मतलब ही क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप अर्थमेटिक के किसी भी लेवल के सवालों को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो चलिए इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। तो चलिए देखें अगला क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस पढ़ा जाए। ए मैन इन्वेस्ट 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7% पर एनम, 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द रेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। If he get rupees 561 as total interest in 1 year, then find the principal. यानी कहा क्या गया है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% वार्षिक ब्याज के दर से, 1/4 अपनी पूंजी का 8% वार्षिक ब्याज के दर से और शेष 10% वार्षिक ब्याज के दर से निवेश करता है। यदि उसे कुल ब्याज एक वर्ष में 561 रुपये मिलते हैं तो मूलधन ज्ञात करिए। तो देखिए इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आप सबसे पहले करेंगे क्या, वो समझिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसने सबसे पहले 1/3 भाग यानी 1/3 पार्ट इन्वेस्ट किया है, फिर उसने 1/4 भाग यानी 1/4 पार्ट इन्वेस्ट किया है। तो हमें कुछ एक ऐसा नंबर पकड़ना है जो कि इस 3 से भी कटे और जो कि 4 से भी कटे। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे किसका, 3 और 4 का, यानी लॉसो लेंगे, यानी लॉसो लेंगे किसका, 3 और 4 का, यानी कितना आएगा 12। यानी हमें एक ऐसा मूलधन, यानी हमें एक ऐसा प्रिंसिपल पकड़ना है जो कि 12 का क्या हो, मल्टीपल हो। और हमें पता है कि जब हम प्रिंसिपल को 100 रुपीज़ करके पकड़ते हैं और यहाँ पे हमें 12 का मल्टीपल पकड़ना है, तो सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होगी कि अगर हम प्रिंसिपल यानी मूलधन को कितना मान लें, 1200 रुपये यानी 1200 मान लें। अब कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर आपने 12 ही क्यों माना, तो मैं कहता हूँ देखो कि यहाँ 1/3 है और यहाँ पर क्या है 1/4 है, तो हमें एक ऐसा नंबर क्यों ना पकड़े कि जो 1/3 से काटकर होल नंबर दे दे, 1/4 से काटकर भी होल नंबर दे दे, जिससे हमें सवाल बनाने में क्या हो, आसानी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो हमारे सवाल में क्या कहा गया था, सबसे पहले पढ़ा जाए। हमारे सवाल में कहा गया है 1/3 ऑफ द कैपिटल यानी 1/3 कितने का, 1200 जो है वो कितने पे लगाया जा रहा है दोस्तों, तो वो कहेंगे 7% पे लगाया जा रहा है और सभी के सभी एक साल के लिए लगाए जा रहे हैं। तो आपको मैंने बताया है बेसिक यानी पार्ट वन में कि अगर एक साल के लिए लगाओगे तो उतना ही परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा जितना कि कहा गया है। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे 1/3 यानी 400, यानी 400 का अगर मैं 7% निकालूं तो मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट में मुझे कितने रुपए मिलेगा, 2800 रुपये। यानी जब मैं 1200 का 1/3 करता हूं तो हमें कितना मिला, 400, और 400 में हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने सालों के लिए, एक सालों के लिए। तो एक साल पर 400 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने रुपए मिलेंगे, 2800 रुपये। फिर कहा गया 1/4 यानी 1/4 भाग कितने का, 1200 का, यानी 1200 का, यानी यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 300, और 300 के ऊपर हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है कितना परसेंट मिल रहा है दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 8%, क्योंकि सवाल में कहा गया है। तो 300 का अगर 8% करें तो हमें कितना मिलेगा, 24। यानी 1200 रुपये में से हमने 400 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, हमने 300 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो अब हमारे पास बचा कितना दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 500, क्योंकि 1200 में से अगर 700 इन्वेस्ट हो गया है तो हमारे पास कितने रुपए बाकी हैं, 500 रुपये बाकी है, और इस 500 पर हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कितने रुपए मिलेगा, 50 रुपये। तो हमने क्या देखा कि जब हम 1200 रुपये को इस कंडीशंस पे लगाते हैं और एक साल के लिए लगाते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे सर 102 रुपये के बराबर है। यानी जब आप सवाल के अनुसार कंडीशंस लगाते हुए 1200 रुपये को जो है 1/3 पार्ट यानी 1/3 भाग, 1200 रुपये का 1/4 भाग और बचे हुए को 7% 8% और 10% पे लगाते हैं, तो आपने देखा कि जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 102 रुपये मिल रहा है। तो अब आइए होगा इंटरेस्ट और यहाँ पे होगा प्रिंसिपल, यानी हमें इंटरेस्ट 102 मिल रहा है जब हमने प्रिंसिपल कितना लिया था, 1200, ठीक। यानी जब प्रिंसिपल हमने कितना पकड़ा था, 1200, और हमारे सवाल में कितना कहा जा रहा है, 561, तो 561 के लिए कितना होगा दोस्तों, तो 1200
डिवाइडेड बाय 102 इनटू 561। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ये 600 और ये क्या आएगा 51, और 51 से इसे अगर हम काट दें तो 11, यानी जो हमने ओवरऑल इन्वेस्ट किया था वो हमारे सवाल में कितने रुपए के बराबर है, तो हमारा आंसर होगा 6600। इस तरह के जब सवाल आए तो हमेशा कोशिश करिएगा इस तरीके से ही बनाने का कि जब आपके सवाल में कह दे 1/3, 1/4, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह के सवाल में इसके हर का यानी इसके डिनोमिनेटर का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और एक ऐसा नंबर पकड़ेंगे कि जो कि इस फ्रैक्शन से भी इजिली डिविजिबल हो जाए, यानी इस भिन्न से भी डिविजिबल हो जाए और इस फ्रैक्शन से भी क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो होल नंबर में आ जाता है और सवाल बनाने में हमें क्या पड़ती है, आसानी पड़ती है। तो देख लीजिए सवालों को किस तरीके से करना है, हर एक चीज़ हर एक क्वेश्चंस एग्ज़ाम के जोन से लेते हुए उस तरह के ही क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ामों के व्यू से क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आए हुए क्वेश्चंस भी हैं एग्ज़ामों। तो उम्मीद करता हूँ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। ए मैन इन्वेस्ट ₹9,000 ऑन ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years एंड गेट ₹3,600 एज सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या कहा गया है दोस्तों, पढ़ लिया जाए। एक आदमी ₹9,000 को 5 सालों के लिए एक निश्चित वार्षिक ब्याज के दर से निवेश करता है और साधारण ब्याज के रूप में ₹3,600 प्राप्त करता है, तो ज्ञात कीजिए वार्षिक ब्याज की दर क्या हो। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा था रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो चलिए आप सीधे सीधे बना लेते हैं सवाल को, यानी एकदम सिंपल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। तो हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला था, 3,600 × 100। जब हमने कितना इन्वेस्ट किया था दोस्तों, तो हम कहेंगे सर जब हमने 9,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और कितने सालों के लिए, तो 5 सालों के लिए यानी 5 years के लिए। तो चलिए सॉल्व किया जाए, यहाँ से ये कट गया, 0000 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये काट दीजिए 40 और 5 से इसे काटिए 8, यानी हमारे सवाल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा वो कितना परसेंट रहा होगा, तो आंसर होगा 8%। यानी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा वो एक साल के लिए कितना परसेंट रहा होगा, तो हम कहेंगे सीधे सीधे 8%। यानी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जहाँ पे आप सीधे सीधे सवाल को बना सकते थे, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में सारी चीज़ों के बारे में बात की है और बताई है। तो चलिए सिलसिले को आगे रखते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए सवाल पढ़ता हूँ। ए मैन इन्वेस्ट ₹20,000 इन सच ए वे दैट ₹8,000 एट द रेट 5% पर एनम, देन ₹7,000 एट द रेट 4% पर एनम एंड द रिमेनिंग सम एट द रेट r% पर एनम। इफ ही गेट ₹1,000 एज इंटरेस्ट फॉर 1 year देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। कहा क्या गया है दोस्तों, सवाल पढ़ते हैं। एक आदमी ₹20,000 को इस तरह से निवेश करता है कि पहले ₹8,000 5% वार्षिक ब्याज के दर से, फिर ₹7,000 वार्षिक ब्याज के दर से और शेष 8% वार्षिक ब्याज के दर से निवेश करता है। यदि उसे ₹1,000 एक वर्ष में मिलते हैं तो ज्ञात करिए कि आर का मान यानी 8% का मान क्या। तो चलिए सवाल बनाते हैं और देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है, सवाल देखा जाए और पढ़ा जाए। कहा गया है कि उस व्यक्ति ने टोटल ₹20,000 क्या किया था, इन्वेस्ट किया था और कितने पार्ट में इन्वेस्ट किया था, 3 पार्ट पर, यानी सबसे पहले ₹8,000 को 5% पे इन्वेस्ट किया था 1 साल के लिए, फिर सात हज़ार रुपये 4% पे इंटरेस्ट किया था 1 सालों के लिए, और फिर बची हुई राशि यानी 8,000 + 7,000 यानी 15,000 हो चुके हैं, और कितना रुपया बचा, तो ₹5,000 उसने फिर इन्वेस्ट किया है 8% पर 1 सालों के लिए,
यानी 20,000 रुपये में से उसने 8,000 को 5% पे इन्वेस्ट किया, 7,000 को 4% पे इन्वेस्ट किया और 5,000 को 8% पे इन्वेस्ट किया, तो उसे कुल मिलाकर एक साल में कितने हज़ार रुपए मिलते हैं? तो मैं कहूँगा 1,000 रुपए मिलते हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, यानी यहाँ से क्या मिलेगा? ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा? तो हम कहेंगे यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 400 प्लस 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों? तो हम कहेंगे 280। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? तो हम कहेंगे यहाँ से 50R इज इक्वल टू, 50R इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ से जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 50R इज इक्वल टू 1,000 यानी 1,000 प्लस इन दोनों को जोड़कर माइनस 680। तो अब अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 50R इज इक्वल टू रुपीज 320। 0 से 0 कैंसिल, R से R कैंसिल, सॉरी रुपीज से रुपीज कैंसिल, तो R की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर आ गई? तो हम कहेंगे 32/4, यानी हमारा आंसर कितने परसेंट के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 66.4% के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये एक तरीका हो गया जहाँ पे आप सवाल को इस तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये हमने पहला तरीका सीखा जहाँ पे आप सवाल को इस तरीके से सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब इसी सवाल को अगर हम बनाना चाहें तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, और वो रेशियो मेथड है क्या, चलिए आइए समझते हैं और देखते हैं। उम्मीद करता हूँ इस तरह से बेसिक्स बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसी सवाल को बनाने का दूसरा तरीका क्या है, आइए देखें और समझें। अब आते हैं हम अपने दूसरे मेथड पे कि इसी तरह के सवालों को हम किस से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड यूज़ करते हैं। जैसा कि मुझसे सवाल में कहा गया है कि 20,000 रुपीज़ मैंने टोटल इन्वेस्ट किया है और एक साल में मुझे 1,000 यानी 1,000 रुपये क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ओवरऑल रेट परसेंट निकाल लेता हूँ। तो ओवरऑल रेट परसेंट हमें कितना मिलेगा, तो मैं कहूँगा टोटल मुझे 1,000 रुपीज़ मिला है यानी 1,000 रुपये मिला है, जब मैंने 20,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट किया था कितने सालों के लिए, एक सालों के लिए। तो चलिए सॉल्व किया जाए दोस्तों, क्या मिलेगा देखिए, 1,000 से 1,000 कैंसिल, यहाँ पे 5, यानी ओवरऑल हमें कितना परसेंट मिल रहा है, 5%। अब उस आदमी ने टोटल 20,000 रुपये को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, यानी सबसे पहले उसने कितने पे लगाया था, 8,000 रुपये, फिर उसने दूसरे पार्ट को कितने पे लगाया था, 7,000 रुपये, और फिर उसने तीसरे पार्ट को कितने पे लगाया था, यानी तीसरा पार्ट यानी कितना आएगा, 5,000 रुपये। तो अब अगर हम रेशियो मेथड से देखें तो ये सारा का सारा कैंसिल हो गया, यहाँ से 3,0, 3,0, 3,0, 3,0 कैंसिल, यानी हम कह सकते हैं कि उसने सबसे पहले टोटल 20 यूनिट लगाया था, जिसमें से पहला 8 यूनिट उसने खर्च किया, फिर 7 यूनिट उसने खर्च किया और फिर उसने 5 यूनिट खर्च किया। तो चलिए सीधे सीधे सवाल में बैठा देते हैं, उसने 8 यूनिट खर्च किया है कितने परसेंट पर, 5% प्लस, उसने 7 यूनिट खर्च किया है कितने परसेंट पर, तो 4% प्लस, उसने 5 यूनिट खर्च किया है कितने परसेंट पे, 8% पे, और ओवरऑल यानी ओवरऑल कितना, 20 यूनिट यानी 20 यूनिट वो खर्च कर रहा है कितने परसेंट पे, तो हमने ओवरऑल निकाला था कितना, 5% पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखें आंसर क्या आता है। तो यहाँ से हमने किया था 5×R% इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 100% माइनस 8×5=40 40%, और यहाँ से किया तो 28% यानी माइनस 68%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो R परसेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो दोस्तों क्या मिलेगा, 32% / 5, यानी हमारा आंसर कितने परसेंट के बराबर आएगा, 6.4% के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जामों में आए तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप इस तरह के सवालों को रेशियो मेथड से बना दीजिए, जहाँ पे सवाल आपका क्या होता है, एक लाइन में ख़त्म हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट वाइज हमने जितना दिया था हमने वो निकाल लिया, और ओवरऑल हमें जितना हो रहा था हमने वो निकाल लिया, यानी 8% 8 यूनिट 5% पे,
7 यूनिट 4% पे, 5 यूनिट 8% पे, तो ओवरऑल कितना था 20 यूनिट कितने परसेंट पे, 5% पे, तो यहाँ से आर की वैल्यू भी कितनी आ गई 6.4%। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के सवालों को अगर आए तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप रेशियो मेथड से सवाल को बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई चलिए सवाल में क्या कहा गया है। ए मैन इन्वेस्ट रुपीज 18,000 इन थ्री पार्ट इन द रेशियो 2:3:4 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ही इन्वेस्टेड द फर्स्ट पार्ट एट द रेट 6% पर एनम, सेकेंड पार्ट एट द रेट 8% पर एनम एंड थर्ड पार्ट एट द रेट आर परसेंट पर एनम। इफ ही गेट 12% एज रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरऑल इन वन ईयर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। यानी सवाल में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए को तीन भागों में 2:3:4 के अनुपात में निवेश किया। उसने पहले भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से और तीसरे भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। यदि उसे एक वर्ष में कुल राशि पर ब्याज दर के रूप में 12% मिलती है तो आर प्रतिशत का मान ज्ञात करें। यानी थोड़ी देर पहले ही हमने इस तरह के सवालों को सॉल्व किया था, यानी हल किया था, और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने इस क्वेश्चंस को भी लिया है। तो सबसे पहली बात, हमें इस रुपए से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें जो मतलब है कि हमने इस रुपए को किस किसने रेशियो में बांटा है, हमें उससे मतलब है। तो अब अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा सबसे पहले कि मैंने दो यूनिट को कितने परसेंट, यानी फर्स्ट पार्ट को कितने परसेंट पे लगाया है, तो आप कहेंगे सर 6%। फिर तीन यूनिट यानी सेकंड पार्ट को कितने परसेंट पे लगाया है, तो आप कहेंगे 8% पे। और थर्ड यूनिट यानी चार जो है, जो थर्ड पार्ट है हमारा, उसे हमने कितने परसेंट पे लगाया है, तो 8% पे। यानी हमारे पास जो भी टोटल राशि थी उसका दो पार्ट 6% पे, तीन पार्ट 8% पे और चार पार्ट 8% पर हमने क्या किया, निवेश किया, और हमें ओवरऑल 12% मिल रहा है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि हमने 2+3+4 टोटल इन्वेस्ट किया था इतना, और उस पर टोटल मिलाकर हमें कितना परसेंट मिल रहा है, 12% मिल रहा है, जो कि हमारे सवाल में कहा गया है इन तीनों को जोड़कर इसके बराबर है। तो अब सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया था, हमें क्या मिला, 12% प्लस 24% प्लस 4×R% इज इक्वल टू, यहाँ से हमने किया तो 9, और 9 इंटू यहाँ से करेंगे तो 108%। तो चलिए आगे देखें। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 4R% इज इक्वल टू 108% माइनस, यहाँ से करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 36%। यानी यहाँ से हमने किया तो आर परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 72/4। यानी यहाँ से अगर अब हम सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज़ इक्वल टू 18%। यानी हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा, 18% के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जिन सवालों पर आप एग्ज़ाम में इतना समय लेते हैं वो सवाल कितना आसान है अगर सही तरीके से सवाल को पढ़ा जाए। कहावत है ना, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जोर सोच में होनी चाहिए, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में होती है, बाढ़ में नहीं। उसी तरीके से सवाल बनाने का सही तरीका सीखिए। कितना पढ़ते हैं वो मतलब नहीं रखता दोस्त, क्या पढ़ते हैं और किस ढंग से पढ़ते हैं वो मतलब रखता है, और सक्सेस के रास्ते में वही काम आता है। तो बहुत ढंग से देखिए सवालों को और बहुत ढंग से समझिए, क्योंकि आप जिस तरीके से जो अप्रोच अपनाते हुए प्रिपरेशंस करेंगे और जिस तरीके से आप सवालों को बनाएंगे, उसी तरीके से वो चीज़ें आपको क्या होगी, मंजिल तक ले जाएगी। अंतर बस इतना हो जाता है कि कोई देखकर सवाल बना देता है और कोई पेन लगाते हुए भी सवाल को नहीं बना पाता। गलती उस बच्चे की नहीं, गलती उसके पढ़ने की अप्रोच की है कि वो किस तरीके से, किस ढंग से सोचता है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो दोस्त, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कॉन्सेप्ट है, यानी आपकी सोच, और अर्थमेटिक तो गेम ही सोच का। आप जिस तरीके से, जितने ढंग से अच्छे से सोचोगे, आप उस तरीके से सवालों को क्या कर पाओगे, और ग्रिप कर पाओगे और समझ पाओगे।
तो चलो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिर अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखें अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहा गया है, पढ़ा जाए। ए मैन इन्वेस्ट रुपीज 7,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। इफ ही गॉट रुपीज 1,400 एज इंटरेस्ट देन फाइंड द टाइम पीरियड। क्या कहा गया है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने 7,000 रुपए को साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से किसी निश्चित वर्षों के लिए निवेश किया। यदि उसे ब्याज के रूप में 1,400 रुपए मिले तो ज्ञात कीजिए समय विधि क्या होगी। सीधे सीधे क्वेश्चन में हमारे सवाल में क्या क्या है, हमारे सवाल में प्रिंसिपल मूलधन है, हमारे समाज में ब्याज की दर यानी रेट परसेंट है, और हमारे सवाल में क्या है इंटरेस्ट है यानी ब्याज है, और हमसे क्या पूछ रहा है टाइम पीरियड यानी समय पूछ रहा है। मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया है तो टी इक्वल टू आप जानते हो जैसे कि क्या होता है फॉर्मूला, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं दोस्त प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो अब अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 1400 जब हमने 100 पे लगाया, और हमने प्रिंसिपल कितना था 7,000 इंटू कितने सालों के लिए, सॉरी रेट परसेंट होगा यहाँ पे कितने परसेंट पर, तो हम कहेंगे 5% पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से अगर हम काट दें तो ये 5 बार में कटेगा और 25 से अगर इसे काट दें तो 4 बार में, यानी हमने जो टोटल पैसा लगाया था वो कितने सालों के लिए लगाया था, 4+ ईयर्स के लिए लगाया था, तो हमारा आंसर कितना होगा 4 साल यानी 4 ईयर्स। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तो समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधे सीधे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए सवाल पढ़ें और सारे सवाल में कहा क्या गया है। ए मैन इन्वेस्ट रुपीज 1,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एन। इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स देन द अमाउंट विल बिकम रुपीज 2,000 इन हाउ मेनी ईयर्स। बड़ा अच्छा सवाल है, क्या कहा गया है देखा जाए कि एक व्यक्ति ने 1,000 रुपए को 5% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज को प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मूलधन में जोड़ दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कितने वर्षों के बाद 2,000 रुपए की राशि हो जाएगी यानी 2,000 रुपए क्या होगी प्राप्त होगी। अभी तक जब हम सवाल पढ़ रहे थे कहीं पर भी साधारण ब्याज में कंडीशंस नहीं दिया गया था, इस सवाल में क्या किया गया है कंडीशंस दिया गया है कि हर 10 साल के बाद जो भी ब्याज होगा वो प्रिंसिपल में यानी मूलधन में क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम अपना 10 साल का क्या निकाल लेते हैं इंटरेस्ट यानी ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स यानी ब्याज 10 सालों का, क्योंकि सवाल में कहा ही गया है कि हर 10 साल के बाद जो मूलधन है, हर 10 साल के बाद जो मूलधन है वो ब्याज में क्या कर दी जाएगी जोड़ दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं 10 साल का इंटरेस्ट हमें क्या मिलेगा, तो इंटरेस्ट इक्वल टू हमने कितना लगाया था 1,000 रुपये 10 सालों पर कितने परसेंट पर 5% पर डिवाइडेड बाई 100। तो हमने देखा कि हमें जो 10 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे 500 के बराबर है, यानी 10 साल में हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने के बराबर है 500 के बराबर है। और हमारे कंडीशंस में कहा गया है कि आप क्या करिए अपने प्रिंसिपल यानी मूलधन में इस ब्याज को क्या करिए जोड़ दीजिए। तो चलिए हम अपने इस ब्याज को क्या करते हैं जोड़ देते हैं अपने मूलधन में, यानी अब जो है हमारे पास टोटल कितना हो गया 1,000 रुपये तो हमने इन्वेस्ट किया था और कहा गया था कि 10 साल के बाद हमारा ब्याज भी यानी इंटरेस्ट भी क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी अब प्रिंसिपल के रूप में कौन काम करेगा, तो मैं कहूँगा 1,500 यानी 1,500 रुपये जो हो जाएंगे प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। और हमें अमाउंट जो करना था वो कितना करना था दोस्तों 2,000 रुपये, यानी हमें और कितने रुपये जुगाड़ने हैं, तो मैं कहूँगा और हमें 500 रुपये जुगाड़ने हैं कितने परसेंट पर 5%, यानी 1,500 से अब हमें कितना करना था 2,000 करना था, यानी अब हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए था 500 रुपये कितने परसेंट पर 5% पे। तो चलिए टाइम निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, यानी हमें 500 रुपये करने इंटू 100 जब हमने 1,500 रुपये 5% पे लगाया, यानी यहाँ से काट दीजिए 3 और यहाँ से काट दीजिए 20,
यानी 6 to 3 ईयर्स और लगेंगे, यानी 2/3 साल और लगेंगे जब हमारी राशि 1500 से कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये, यानी हमारा जो 1500 रुपीस है वो कितने पे कन्वर्ट हो जाएगा, 2000 रुपीस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 साल पहले का 10 साल, और यहाँ से कितना, 6/2 यानी 16/3 ईयर्स, यानी टोटल अगर मैं जोड़ दूं तो हम कह सकते हैं टोटल हमारा जो ईयर्स लगेगा वो कितने के बराबर होगा, तो कहूँगा 16/2 यानी 16/3 ईयर्स, यानी इनमें से कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अभी तक जब आपने सवालों को पढ़ा था तो कहीं पर भी कहा नहीं गया था कि प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, लेकिन इस सवाल में क्या कहा गया है कि हर 10 साल के बाद आपको क्या करना है, आपके आए हुए प्रिंसिपल को क्या करना है, सॉरी, आपके आए हुए इंटरेस्ट को क्या करना है, आपके प्रिंसिपल में जोड़ देना है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी, सवाल चीज़ें क्लियर हैं किस तरीके से सवालों को हमने हल किया है। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, मोहन हैज टेकन ए लोन ऑफ रुपीज 10,000 एट द रेट 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट टू बिल्ड अ हट। ही गेव हिज हट ऑन रेंट एट रुपीज 125 पर मंथ। फाइंड द टोटल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड आफ्टर विच मोहन कैन पे बैक हिज टोटल अमाउंट फॉर हिज रेंट एंड बिकम फ्री। यानी मोहन ने एक झोपड़ी के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये का ऋण लिया साधारण ब्याज पर, उसे अपनी झोपड़ी को 125 रुपये प्रति माह पर किराए पर दिया। तो ज्ञात कीजिए कुल कितने समय अवधि के बाद मोहन अपने किराए से अपनी कुल राशि वापस कर मुक्त हो जाएगा। बहुत बेहतर, यानी मोहन एक चीज़ तो समझ में आ गया, बड़ा चतुर आदमी था कि उसने 10,000 रुपये का क्या किया, लोन लिया और 5% ब्याज पे और उससे एक झोपड़ी बनाई, और उस झोपड़ी को क्या करता है भाड़े पर यानी रेंट पे दे देता है, और उस किराए से वो क्या करता है अपने जो लोन यानी जो ऋण लिया था उसे धीरे 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 करके क्या करता है चुकता करता है। तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि कितने सालों के बाद वो अपने ऋण यानी लोन से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो चलिए सवाल बनाते हैं और देखते हैं। मान लेते हैं लेट द टाइम बी टी ईयर्स, यानी हमने माना कि हमारा जो समय रहा होगा वो रहा होगा टी साल, यानी टी वर्षों के बाद जो मोहन है वो क्या करेगा अपने लोन को क्या करेगा ब्याज के साथ चुकता कर देगा, और उसकी झोपड़ी फिर उसकी हो जाएगी और उसे फिर रेंट से पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए टी वर्षों के बाद, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टी वर्षों तक उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, टी वर्षों तक उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ा होगा यानी कितना ब्याज देना पड़ा होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मोहन ने 10,000 रुपये लिया था और 5% पे टी वर्षों के लिए लगाया था डिवाइडेड बाई 100, तो हम कह सकते हैं कि मोहन को जो ब्याज के रूप में देना पड़ रहा होगा वो कितना देना पड़ रहा होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 500 टी। तो इसका मतलब ये है कि टी वर्ष के बाद उसे जो टोटल अमाउंट यानी मिश्रधन चुकाना था वो कितना चुकाना था, तो कहेंगे सर 10,000 रुपये तो उसने क्या लिया था, लोन लिया था यानी ऋण लिया था, और 500 टी जो हो रही थी उसकी ब्याज हो रही थी, यानी टी वर्षों के बाद मोहन को कुल इतने रुपये को क्या करने थे, देने थे। अब मोहन इस रुपए को कैसे दे पाता है, तो मोहन क्या करता है अपनी झोपड़ी को जो उसने बनाया है उसने 125 रुपये हर महीने के दर से उसे क्या करता है उस झोपड़ी को भाड़े पे लगा देता है। तो टोटल रेंट यानी जो टोटल भाड़ा उठा होगा यानी जो टोटल भाड़ा उठा होगा कितने सालों में, टी ईयर्स में, वो कितना होगा मोहन द्वारा, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हमसे कहा गया है 125 रुपये एक महीने में, तो मुझे ये बताओ कि 125 रुपये अगर एक महीने में मिलेगा तो एक साल में कितना होगा, तो 125 × 12 कहाँ से आया, आप अच्छे से जानते हैं एक साल में 12 महीना होता है, और एक साल में अगर इतना मिलेगा दोस्तों तो टी सालों में कितना मिलेगा, तो मैं कहूँगा सर 125 × 12 × t यानी कुल मिलाकर हमारा कितना होगा
1500 टी उसे क्या मिलेगा, कुल भाड़े के रूप में मिलेगा, जिसे वो देकर अपने लोन को यानी अपने कर्ज को ब्याज सहित क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं हमारे सवाल के अनुसार कि 1500 टी की जो वैल्यू है वो हमारे सवाल में 10,000 प्लस 500 टी के बराबर है? जी बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि कहा ही गया है कि टी वर्षों के बाद मोहन क्या करता, अपने भाड़े से उठे हुए पैसे को देकर अपने लोन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है ब्याज से। तो अब अगर हम देखें तो हमें यहां से क्या मिलता है, चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं, 500 टी अगर यहां पे ले ले तो हमें क्या मिलेगा, 1000 टी इज इक्वल टू रुपीज। तो अब अगर आप देखो यहां से यहां कैंसिल, यानी 1000 से काट दिया, यानी टी की वैल्यू इक्वल टू कितनी आ गई, 10। यानी हमारा जो समय लगा होगा, यानी मोहन को जो समय लगा होगा वो कितने साल लगे होंगे, 10। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हर एक चीज क्लियर है, हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। तो मोहन ने क्या किया, 10 साल के बाद जो है अपने लोन यानी ऋण को ब्याज से चुका दिया, और उसके बाद उस झोपड़ी से उसे जो भी रेंट यानी भाड़े मिलता था उससे उसने क्या किया, अपनी चीजों को अच्छे से रखा। तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी चीजों को क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आज बस हम यहीं पर अपने इस चैप्टर को क्या देंगे, पूर्ण विराम देंगे। पार्ट 3 का भी वीडियो बहुत जल्द ही आपके पास आ जाएगा। मैं एक बार 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 बात को फिर से दोहराता हूँ कि प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा रखो दोस्तों। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका अर्थमेटिक उतना ही अच्छा होगा। अब जैसा कि आप जान रहे हो सामने एग्जामों का दौर शुरू हो चुका है, तो जी जान लगा दीजिए, खुद को स्वस्थ भी रखिए और जी जान लगा कर पढ़िए, अपने मनोबल को गिरने मत दीजिए। एक बात मेरे याद रखिएगा, जिस जगह लगे कि आप हार रहे हैं तो उस दौरान उस सोच को याद कर लीजिए जिस सोच के साथ आप इस मैदान में कूदे थे, तो जग आपका होगा। थैंक यू एवरीवन।